नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इंद्रियां, मन और बुद्धि इनके बारे में थोड़ा विचार विमर्श करूंगा आपके साथ, और गीता से मैंने क्या सीखा है इनके बारे में और कैसे इनका उपयोग करके अपना उत्थान करें, इसके बारे में दृष्टि डालेंगे। तो एक इसको चार परतों में समझें अपने अपनी एग्जिस्टेंस को, वो है इंद्रिय और सेंसेस, उसके ऊपर हुआ आपका माइंड या मन। जब मैं मन बोलूं तो उसको मनस बुद्धि अहंकार चित्त के रूप में आप ले सकते हैं, पर बेसिकली मेंटल फैकल्टीज को मन बोला। उसके ऊपर हुआ फिर आपका बुद्धि और डेलिनेटिंग इंटेलेक्ट, तो उसमें इसीलिए बुद्धि और मन का जो गैप है वो थोड़ा डिफिकल्ट है डिस्टिंग्विश करना, लेकिन फॉर आवर डिस्कशन पर्पसेस वी विल ट्रीट देम एज फोर डिफरेंट लेयर्स। तो बुद्धि के ऊपर हो गया स या फिर आत्मा, सोल। तो इनमें से आप कौन है और आपका मित्र कौन है, आप क्या नहीं हैं, ये जानना ज़्यादा आसान है और उस प्रकार से आप वहाँ पहुँच सकते हैं जो कि आप हैं, शिवा दैट विच इज़ नॉट। तो जो नहीं है उसको पहले आप रूल आउट करें। आप इंद्रिय नहीं हैं, मन नहीं है और बुद्धि नहीं है। तो ये तीन जो आपके पास एपराटस हैं वो आपने यूज़ करना है अपने उत्थान के लिए या पतन के लिए। ये सारे संसार में ही हो रहा है, या तो उससे उत्थान हो रहा है या पतन हो रहा है। तो इंद्रिय का ऐसा है कि सबसे पहले आपको लगता है कि क्योंकि हम लोग एक कंफर्ट क्रिएचर्स जो बन गए हैं, कि हमें एक सर्टेन लाइफस्टाइल, जीवन शैली की जो हमें आदत पड़ गई है, उसके कारण लगता है कि इंद्रिय हमारे मित्र हैं, इंद्रिय हमारे परम शत्रु हैं। और ये गीता में बहुत अच्छे से इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है कि इंद्रियों को अपना मित्र समझना अपने नाश और पतन का कारण है। इंद्रिय यदतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियानि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मनः। इंद्रिय इतनी ज़्यादा वर्चस्वशील और इतनी ज़्यादा ऊर्जा वाली स्थिति है कि वो जो भी व्यक्ति उनको अपने वश में करना चाहता है उसका ही सबसे पहले वो विनाश करती हैं। इसीलिए इंद्रियों का दमन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, और अधिकांशतः ऐसी स्थितियों में जब आप इंद्रियों का दमन या निग्रह करने की कोशिश करेंगे तो वो बाउंस बैक करके आपको और डैमेज करेगी, आपको और अपने गिरफ्त में लेगी। इसलिए उसने कहा कि जो आपको दमन करना चाहता है उसका विनाश सबसे पहले करती है। तो इसलिए ये समझ जाएं कि ये जो इंद्रियों से हमारी आसक्ति है वो जन्म जन्म से इस्टैब्लिश्ड है। तो उसको आप चाहेंगे कि एक दिन में हम इंद्रियों का दमन करके उससे मुक्ति पा लें तो ऐसा नहीं है। एक तो वो आपके आपके एग्जिस्टेंस के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि वही ईगो या अहंकार का बेसिस है। ईगो इन द सेंस डिस्टिंग्विशिंग सेल्फ फ्रॉम द अदर्स, अपने को दूसरों से जो आप अलग समझते हैं, उसके लिए सेंसेस आपको नॉट ओनली दे आर आपको हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, परंतु वो हेल्प कर रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि आप अगर कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ चखते हैं, तो आप उसके बारे में एक धारणा बनाते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। और ये जो डिस्टिंक्शन है अच्छे और बुरे का, शुभ शुभ, हर्ष शोकान्वित, जो जो अलग अलग शब्द उन्होंने यूज़ करे हैं, जो भी डेलिनिएटिंग डिस्टिंक्शन जब क्रिएट होती है वो इंद्रियों के द्वारा होती है, वो ईगो को एस्टैब्लिश करती है और वो आपके सेल्फ को डाइल्यूट करती है और डेल्यूड करती है, आपको भ्रमित करती है कि आप इंद्रिय हैं, मन है। इसीलिए इंद्रिय ज़रूरी हैं इस जीवन को चलाने के लिए, प्राणवायु को शरीर में स्थापित रखने के लिए इंद्रियों का काम करना अति आवश्यक है। लेकिन उसका जो आपको डाउन प्राइस पे करना पड़ता है वो ये है कि आप भ्रमित हो जाते हैं कि आप ही ये शरीर हैं और इसकी रक्षा ही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो ये तो समझ में आया कि इंद्रियां आपके मित्र नहीं हैं और इंद्रियों का दमन नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए कि इंद्रियों को आप अपने वश में कर सकें? इसका उत्तर है, आपको एक स्लो प्रैक्टिस ऑफ अभ्यास द्वारा वैराग्य के प्रति जाना है। क्योंकि आप मन के
नियंत्रण करने के द्वारा इंद्रियों का दमन क्षणिक रूप में तो कर सकते हैं, परंतु वो फिर बाउंस बैक कर जाएगा। इसीलिए आपको एक ऐसी मनोस्थिति में घुसना है जहाँ पर आपकी वो इच्छाएं ही उत्पन्न ना हो, और जब ये ऐसा इच्छाएं उत्पन्न नहीं होंगी कि कुछ मीठा खा लें या फिर ग्रीष्म ऋतु में थोड़े ठंडी आइसक्रीम्स खा लें या फिर ठंड में 10 लेयर जैकेट पहन लें, जब ये इच्छाएं धीरे धीरे पनपनी बंद हो जाएंगी क्योंकि आपने उसको निगेट कर दिया है कि मैं इंद्रिय नहीं हूँ, ये मैसेज आपने बारंबार भेजा है, तो उसके द्वारा आपको धीरे धीरे अभ्यास से इंद्रियाँ खुद ही अपनी जो अर्जेस आपको प्रेजेंट कर रही हैं वो करना बंद कर देंगी। तो इसीलिए वैराग्य या डिटैचमेंट, डिस्पैशनेट अटैचमेंट बहुत ही बड़ा टूल है आपको इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए। तो मित्रों, आपको मास्टरी करनी है अपने अपनी इंद्रियों के ऊपर, आपको एक प्रकार से आपको हावी होना है पर नियंत्रण पाना है, उसको दमन निग्रह उसको दबाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो भी चीज़ सप्रेस करोगे वो वापस से फिर राइज करके आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। ईगो हो या फिर सेंसेस हो, ये दोनों में एक एबिलिटी है कि वो वापस स्लोली स्लोली ग्रो बैक करेगा, जैसे कि आपके वीड्स होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो बैक करते हैं, वैसे ये इंद्रियां भी और ईगो भी स्लोली स्लोली जब तक आप में लाइफ है वो ग्रो करेंगे। तो उसको स्टंट करने के लिए आपको बारंबार अभ्यास द्वारा और वैराग्य द्वारा उसको याद दिलाना होता है कि आप ये इंद्रियां नहीं हैं, इंद्रियों की भोग विलास आपके जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। जब आपने ये स्थापित कर दिया तब आप अपने मन की धारणाओं विचारों को कहीं और ले जा पाएंगे और इंद्रियां आपको फिर परेशान करना बंद कर देंगी। ये शत्रु ही हैं, इंद्रियां कभी भी मित्र नहीं हो सकती। ये अपने माइंड में अगर आपने बात रख ली तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा इंद्रियों की बातों को नकारना और उसके परे बढ़ना। तो आपको अपने को डिस्ट्रैक्ट करना है, आपको मास्टरी के लिए आपको अपने को डिस्ट्रैक्ट करना है, उसके बारे में नहीं सोचना है, और फिर जो आपके मोर प्रेसिंग नीड्स हैं उसके बारे में सोचना है, और इंद्रियों को कुछ ऐसा दें कि उससे उसमें एवर्जन हो जाए। जैसे कि मान लीजिए उनको बहुत ही लगता है, ओ मुझे तो ल्यूक वार्म वाटर से नहाना अच्छा लगता है, तो उनको पूरे शीतल जल से नहलाएं ठंडे पानी से। उनको लगता है कि नहीं मुझे तो बहुत मीठे रसगुल्ले खाने का मन है, तो उनको मुँह में आप चिलीज दें। तो ऐसा कुछ करें कि उनको एवर्जन हो जाए और उनको वो इच्छाएँ पनपना स्लोली स्लोली कम हो जाए। तो वैराग्य द्वारा, डिस्ट्रैक्शन द्वारा, और फिर मन को एक दूसरे दिशा में ले जाकर आप इंद्रियों पर नियंत्रण पा सकते हैं और इवेंचुअली मास्टरी पा सकते हैं। मन का क्या है, मन थोड़ा बेटर लेयर है क्योंकि उसके ऊपर है। तो मन ही मनुष्यानाम कारण बंधम मोक्ष बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। तो मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण भी हो सकता है और उसके रोकने के लिए बंधन भी हो सकता है, दोनों रूप में काम कर सकता है। आपको इस पंच भौतिक शरीर में रखकर आपका पुनर्जन्म करा कर संसार में वापस ला भी सकता है, और अगर आपने इस पर नियंत्रण पा लिया तो आपको एक आगे लेवल पे भी ले जा सकता है। तो इंद्रियों को जब आपने अपने मास्टरी कर लिया और अपने वशीभूत कर लिया है, तब आप उसको उस इंद्रियों की उन ताकतों को मन के उच्चे जो आपके विचार हैं उनके प्रति ले जाएं। तो आपने जैसे भक्ति योग करी, आपने चैंटिंग करके सुने और चैंटिंग से आपने उच्चारण भी करा, और आपने प्रभु का काम किया, कर्म योग किया, तो कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ सभी को आपने एक सही प्रभु की डायरेक्शन में, क्योंकि आपने अपने को परमात्मा का अंश मान लिया, तो एक प्रकार से आपने ही अपने को परमात्मा मान लिया। अगर आपने ये समझकर रिस्पॉन्सिबली काम करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आपके मन वश में आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बार गीता में कहा है, बंधुरात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्त्यात आत्मैव शत्रुवत्। तो यह तो बंधु भी है और शत्रु भी है, रिपुरात्मना है, रिपु भी है। तो आपको उसको नियंत्रण करके अपना मित्र बना लेना है। इंद्रियां हमेशा शत्रु हैं, मन मित्र भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है। अगर कुकर्म कराएगा तो आपको फिर कहीं उसके लिए आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, आपको उसके लिए तरह तरह के अनलॉफुल जो एक्टिविटीज़ है उसमें अगर आप एंग्रोज रहेंगे तो उसके लिए आपको उसकी प्राइस भी पे करनी पड़ेगी, और फिर कौन सहेंगी, इंद्रियां सहेंगी और आपका पूरा अंतःकरण सहेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मन को जब विचलित हो तो उसको कहीं और लगाएं और हमेशा डिस्ट्रैक्शन के पावर को यूज़ करें और सेंसेस की एबिलिटी को बताएं कि अगर आपको ये करना है तो ये ना करके ये कर लो। अगर आपको मान लीजिए कुछ
मीठा खाने का मन है तो आप उसको एक ऐसी कोई ऐसा एक गीत सुना दीजिए जो उसको बहुत पसंद है, तो उसका मन फिर उससे भ्रमित हो जाएगा। या फिर आपको कुछ ऐसी इच्छाएं हो रही हैं कि आपको कुछ किसी के साथ काम वासना जाग रही है, तो आप उसके लिए दूसरा कुछ कर दें। तो इससे क्या होता है, खाने का काम ना करें, लेकिन कभी भी मीठे वस्तु को खाकर काम वासना को तृप्त करने की कोशिश करेंगे तो खाने के बाद फिर आपकी काम वासना बढ़ जाएगी। इसीलिए ठंडे पानी से नहाना या फिर अपने को ऐसी परिस्थिति में रखना है ताकि आपको ये प्रतिकूल अवस्थाएं और जो इच्छाएं हैं वो उत्पन्न ना हो। तो इसीलिए मन को कंट्रोल करना है। नाउ तीसरा क्या लेयर है, तीसरा बुद्धि, ये आपका हमेशा मित्र है और आपको हमेशा सही राह देता है। परंतु अक्सर होता यह है कि इंद्रिय प्रमाथ नहीं हरंती प्रसम मना, इंद्रियों इतनी ज़्यादा वेग से आती हैं कि जो बुद्धि की जो आपकी डेलिनेटिंग इंटेलेक्ट या फिर आपकी वाद विवाद करने की जो ताकत है उसको बिल्कुल उड़ा देती है और झट से आप पर हावी हो जाती है, हाईजैक कर लेती है। इट होल्ड्स योर इंटेलेक्ट हॉस्टेज। तो इसलिए आप हमेशा बुद्धि की बात नहीं सुन पाएंगे और बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और उसका विनाश भी हो जाएगा अगर आपने मन को गलत जगह लगाया। तो बुद्धि का सदुपयोग करने के लिए आपको अवेयरनेस बढ़ानी है, इंट्रोस्पेक्शन बढ़ाना है, मेडिटेशन करना है, और जब भी आपको इंद्रियां परेशान करें कुछ करने के लिए 7 सेकंड की जो आपको एक वेग जागता है वो यदि उठे तो आपको उसको डिस्ट्रैक्ट करके एक सेकेंडरी डिफरेंट जो सेंस इंद्रियां हैं उन पे जाकर आपको ध्यान देना है और उसकी व्यक्ति उसके एक्टिविटी को प्रीऑक्यूपाई करना है। या तो आप कुछ खेल लें, टेनिस खेल लें या पिंग पोंग खेल लें, आपको जो भी एक्टिविटी पसंद है जो कि हार्मलेस लगती है वो आप 5 मिनट 2 मिनट करने की कोशिश करें और उसके बाद आप देखेंगे कि जो आप में वो जो कुछ व्यसन है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग जो भी एडिक्शन है आपकी, वो जो करने की तीव्र क्रेविंग जो है वो चली जाएगी, फिर आएगी वापस, लेकिन तब तक के लिए चली जाएगी और फिर जब आए तो फिर आप उसके साथ वही व्यवहार करें। हो सकता है आप 1-2 बार हार जाएं इस प्रयत्न में, परंतु कभी भी गिव अप ना करें। वो सबसे बड़ा मैसेज है इसमें कि अभ्यास को कभी नहीं छोड़ना है और अभ्यास निरंतर करते रहना है। आप जो ये मनुष्य जाति में पहुंच पाए हैं ये अभ्यास द्वारा ही हुआ है कि आप वो इनवर्टिब्रेट से यहाँ तक एवोल्यूशन के द्वारा पहुँच सकेंगे। तो इस चीज़ को अगर यदि आपने मान लिया कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे की जो यात्रा है वो भी आप करते रहेंगे तो वो आपको एक आगे बहुत बड़ी ऊर्जा और प्रेरणा स्रोत बनकर आपको उत्थान कराएगी और आपको परमात्मा में विलीन होने में आपकी मददगार साबित होगी। तो क्यों भ्रमित हो जाती है बुद्धि और इसको कैसे कंट्रोल करें, तो इसका आंसर मन से है। तो देखिए, इंद्रियां जब कंट्रोल में नहीं हुई तो जो इंद्रियां शत्रु थी, जो कंट्रोल नहीं थी तो मन को दुश्मन बना दिया जो कि शत्रु मित्र दोनों से था। अब मन कंट्रोल में नहीं है, मन भी आपका शत्रु बन गया, तो बुद्धि जो आपका मित्र है वो आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपकी आत्मा का जो स्व का उत्थान करना था उत्थान की जगह पतन हो गया, क्योंकि मन और इंद्रियां दोनों आपको नीचे खींच लाई, बुद्धि बेचारी विवश होकर कुछ आपकी हेल्प नहीं कर पाई, सप्रेस हो गई। तो इसीलिए कृष्ण ने कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगेश तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जिसका ध्यान निरंतर करते रहोगे उससे संग या अटैचमेंट हो जाएगा, एक इंद्रियों पे अगर है तो उसी पे अटैचमेंट हो जाएगा। खाने की जो होती है, कई लोगों को देखोगे कि ओवर ईटिंग ही कर रहे हैं तो फिर वो मीठा खा रहे हैं, उसी में कुकीज़ जो भी उनका रहता है वो उसी में रह जाते हैं और उसी पर्टिकुलर इंद्रिय में ही वो पूरे घुसे रहते हैं और दूसरे को यूज़ नहीं कर पाते। इसीलिए देयर हैज़ टू बी डाइवर्सिफिकेशन, या फिर जो 5 प्रकार की इंद्रियाँ क्यों दी गई हैं, क्योंकि आप 5ों का यूज़ करें और अगर एक आपको परेशान कर रही है तो बाकी 4 में आप उसका खोजें। अगर आपको खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है और आपने ओवर ईटिंग की है तो आप अच्छा म्यूज़िक सुने, अगर आपको काम वासना से परेशान है तो आप चैंटिंग का गाना सुने। तो कुछ भी करें जिससे आपका मन उस प्रकार जहां पर आपको लॉन्ग टर्म श्रेया प्रेया की बात में जहां पे आपका श्रेयस्कर है या फिर लॉन्ग टर्म आपका ग्रेटिफिकेशन गोल्स मीट हो रहे हैं उसको लें, और प्लेजर जो शॉर्ट टर्म आपको सेंसेस खींच रही हैं अपनी तरफ उससे आप हटके आगे बढ़ जाए। इसीलिए सेंस डाइवर्सिफिकेशन करें, और मास्टरी के लिए आपको टेम्पटेशन को अवॉइड करना इजी नहीं है क्योंकि आपको सप्रेस करोगे तो क्या करोगे, कुछ तो सोचोगे। तो सोचने के लिए जो सोचने का कंटेंट है उसको चेंज कर दें, और इसीलिए बोलते हैं कि सद्भाव सदाचार और सत्संग आपको हेल्प करती है, जो 3 S's या 3 S's हैं वो हेल्प करती हैं, क्योंकि आपको अगर अच्छी कंपनी में रहोगे तो जो मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर या गुणा है उनके प्रभाव में आकर आपके मन में गलत इच्छाएं एक तो पनपेंगी नहीं, क्योंकि जो उनका एनर्जी सर्कल या वाइब है वो आप भी जाकर आपको इफेक्ट करेगा। इसीलिए आपको जो परेशान करने की जो टेंडेंसी है उसमें वो कम हो जाएगी।
तो इसलिए बुद्धि का सदुपयोग करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए, ये दोनों आपस में फीडबैक कर रहे हैं। आप देखेंगे अगर मन आउट ऑफ कंट्रोल है तो बुद्धि हेल्प नहीं कर पा रही, और बुद्धि में अवेयरनेस बढ़ गया तो मन को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देगा। तो बुद्धि की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भाइयों, अवेयरनेस बढ़ाएं, इंट्रोस्पेक्शन करें, कम बोलें, कम खाएं, युक्त आहार विहार रसयुक्त चेष्ट से कर्म सुयुक्त स्वप्न बोध से योगो भवति भवत्वा। तो योग की शक्ति को अगर आपने बढ़ा ली तो आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी। और यज्ञ दान तपा कर्म, ये तीन जो कर्म हैं, यज्ञ दान और तप, ये यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, दान जो आपके पास एक्सेस है वो आपने दे दिया, और तप मतलब ऑस्टियरिटी, यानी कि आपने अपने शरीर का कैसे कम से कम में गुजारा किया। तो ये देखिए, ये तीन जो कर्म है कृष्ण ने कहा है कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याजमिति कर्ममेवत, कभी भी त्याग नहीं करो, संन्यास योग में हो या कर्म योग में हो। यज्ञ यानी कि अगर आपने जो आपके पास बेसिक नेसेसिटी थी, उससे ज़रूरी कोई है आपका फैमिली मेंबर फ्रेंड, उसको ज़रूरत है उस चीज़ की, तो आपने दे दी, वो यज्ञ बहुत ही हाई क्वालिटी का कर्म योग है। दान जो आपके पास एक्स्ट्रा हो गया, चैरिटी, वो आपने दे दी, एल्ट्रुइज्म जो हम कहते हैं, फिलैंथ्रोपी जो कहते हैं, जो कि फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, वॉरेन बफे करते हैं, तो ये दान का रूप है। और तप होता है जब ये जो ऋषि महर्षि जो भी अपने आपने इंटरमीडियंट फास्टिंग कर दी, या फिर आपने कोई व्रत रख लिया, या आपने कोई बहुत ही वेगवान काम वासनाएं पर आपने उस पर एक्ट आउट नहीं किया, तो ये जब भी आपने नियंत्रण कर लिया तब आपने तप कर लिया। तो यज्ञ दान तप की तीन जो शक्तियां हैं उनकी अगर आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली है तो फिर आप बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, और फिर आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा बोलते हैं, जब सेंसेस ने आपको बिल्कुल ही अपने चपेट में ले लिया है, मन को बिल्कुल ट्रांजेंटली कन्विंस कर लिया है, तो बुद्धि बेचारी विवश हो जाती है, उसको बोलने का मौका ही नहीं देते आप लोग, तो वो बेचारी चुप हो जाती है, और फिर जो आपने कर्म किए उसकी फिर आपको पश्चाताप करनी पड़ती है। तो आपने ये देखा इन शॉर्ट कि सेंसेस या इंद्रियाणी आपकी दुश्मन है, और इसीलिए आपको उसको अपने अंदर, जैसे कछुआ अपने लिम्स को रिट्रैक्ट कर लेता है, यदा संघर्ते कुर्मो अंगानी सुरक्षा इंद्रियाणी को, वैसे ही आपने अपने अंदर रिट्रैक्ट करना है, जैसे कि टॉर्टोज अपने लिम्स को अपने शेल के अंदर रिट्रैक्ट करता है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भाई ये गलत जगह जाएगी तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन से अटैच करेगी और प्रॉब्लम करेगी। तो अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप अल्कोहलिक हैं तो प्लीज़ मदिरा की दुकान में ना जाए, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो बेल्जियन कुकीज़ की दुकान में ना जाए, और आपको अगर काम वासना परेशान करती है तो वैसी परिस्थितियों में ना अपने को टेस्ट करें, खासकर जब आपका डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है, जहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हैं और स्लिप डाउन द लेन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही, इसीलिए बोलते हैं सॉलिट्यूड, जो आपकी प्यूरिफिकेशन पावर ऑफ सॉलिट्यूड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आपके माइंड जो क्लैरिटी आती है वो बहुत डिफिकल्टी से अटेन होती है। और एक बार जब आपने अटेन कर लिया, एक बार जब आपने बटर को कंडेंस कर लिया, तो फिर वो पानी पे तैरेगी, पर अगर वो पतली है तो उसमें दूध डालोगे तो वो और डाइल्यूट हो जाएगी। तो हमारा जो चरित्र है वो पतला है अभी, तो हमें अगर कुछ आपने मिक्स करना है, कुछ पानी डाल दोगे तो और पतला हो जाएगा, परंतु अगर आपने एक बार उसको योग की शक्ति से अपने को बिल्कुल आपने कंडेंस कर लिया और आप एक मक्खन के क्यूब जैसे हो गए हैं, तो फिर आप दूध के ऊपर भी तैरोगे और आप पानी के ऊपर भी तैरोगे, आपको कोई भी डाइल्यूट नहीं कर सकता। तो वैसा सेंट्रीफ्यूज्ड इफेक्ट आपको सॉलिट्यूड द्वारा ही आएगा, और जब आपका जो बुद्धि है वो बहुत ही आगे बढ़ जाएगी, अवेयरनेस बहुत बढ़ जाएगा, तब आएगा। अभ्यास से आएगा, वैराग्य से आएगा, ये ज्ञान योग, जब आपको मन में बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारे इंद्रिय शत्रु हैं, मन हमारा मित्र और शत्रु दोनों सकता है, और बुद्धि हमारी मित्र है, ये जब आपने क्लैरिफाई कर लिया ये तीन लेयर, तब आपका सौ आत्मा जाकर अपने परमात्मा से मिल सकता है, और ये जो आपको जन्म जन्मांतर के जो कष्ट होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सबको होता है, कोई ये रियलाइज़ नहीं करता, क्योंकि हम लोग सेंसेस के पूरे उसमें मोड में रहते हैं, कहाँ जाएँ, कहाँ घूमें, क्या खाएं, आज क्या करें, और ये जो बिल्कुल आप एक मोल्ड बबल में रहते हो कि आपको बाहर देखना ही नहीं है कि क्या हो रहा है, जो सच्चाई जो चारों तरफ है, इतना कष्ट है, इतना बुढ़ापे में आप देखोगे इतनी सारी बीमारियाँ हैं, आपको जवानी में बीमारियाँ हो जाती हैं, ब्रेकअप हो जाता है लोगों का, कितनी सारी दुख हो सकते हैं जो आपको दुखी करती हैं, तो आप धीरे धीरे उस पर बस ठोकर खाते रहते हैं, परंतु आप फिर भी उस बबल को नहीं छोड़ते हो। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो जन्म है, मृत्यु है, जरा यानी ओल्ड एज, और व्याधि मतलब विकार, जो ये डिजीजेस हैं, ये चार चीज़ें आपको निरंतर हो रही हैं। जन्म में बहुत कष्ट हुआ है, जो मृत्यु हुई है या नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ उनसे पूछे, उनको भी बहुत कष्ट हुआ है, लेकिन वो भूल जाते हैं, क्योंकि
क्योंकि वो आगे अगर सब कुछ याद रखेंगे पुराने जन्म का और अभी का, तो फिर आप इतने ज़्यादा त्रस्त हो जाएंगे कि आप कर्म कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उसी में ग्रस्त हो जाएंगे। इसीलिए परमात्मा जब भी नया जीवन देता है आपको बिल्कुल क्लियर शीट देता है। कभी कभी किसी का अगर बहुत ज़्यादा कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ तो ऑब्वियसली उसके मनस में वो अटैच्ड है, सॉरी चित्त में उसके अटैच्ड है, तो वो इंट्यूशन को बोलो या आभास बोलो वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। सब में होता है, कुछ कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। कोई डूब के मरा है तो पानी में नहीं जाएगा, कोई हाइट से गिरा है तो हाइट के ऊपर नहीं जाएगा। तो जब भी कोई एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है तो आपके सबकॉन्शियस में एक ऐसा इमोशन बनकर अनआइडेंटिफाइड एंड अनक्लैरिफाइड इमोशन बनकर सट जाता है और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको इंट्यूशन बोलते हैं। तो उसका रिस्पेक्ट करें और उसके अनुसार काम करें, परंतु अपने इस जीवन में उत्थान के लिए जैसा मैंने बोला इंद्रिय मन और बुद्धि का सदुपयोग करें और उसको सही मार्ग पर ले जाएं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।